कोविड-19 महामारी से संयुक्त रूप से लड़ने की कोशिश के तहत इसराइल एक अनुसंधान टीम को विशेष विमान से भारत भेज रहा है। यह टीम कोरोना की जांच के लिए एक त्वरित जांच किट विकसित करने पर भारतीय वैज्ञानिकों के साथ काम कर रही है। जानकारी के अनुसार यह किट महज 30 सेकंड में परिणाम दे सकती है। इजरायली दूतावास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में इजरायल का विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों देशों के बीच एक बड़े कोविड-19 रोधी सहयोग अभियान का नेतृत्व करेगा। इस विमान से मैकेनिकल वेंटिलेटर आएंगी, जिसकी इजरायल ने भारत को निर्यात करने की विशेष अनुमति दी है। बयान में कहा गया है, इजरायली रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तर की अनुसंधान एवं विकास टीम नई दिल्ली आएगी, जो 30 सेकंड के अंदर कोविड-19 का पता लगाने वाली जांच किट विकसित करने के लिए भारत के मुख्य वैज्ञानिक के विजय राघवन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ काम कर रही है। 3 बार फोन वार्ता कर चुके हैं मोदी और नेतन्याहू। बता दें कि कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने महामारी से निपटने में परस्पर सहयोग का वादा किया और दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रतिबद्धता जताई। इजरायली दूतावास की ओर से जारी इस बयान में इसमें कहा गया है कि भारत के बाजार में इसके विकास और उत्पादन क्षमताओं के दरवाजे खुलने से इन इजरायली प्रौद्योगिकियों का कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकेगा। इन प्रौद्योगिकियों को भविष्य में संयुक्त रूप से तीसरे देश को भी बेचा जा सकेगा। भारत में नियुक्त इजरायली राजदूत रोन मलका ने कहा, मैं इस इजरायली प्रतिनिधिमंडल का भारत में नेतृत्व कर गौरवान्वित महसूस करूंगा। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि भारत और इसराइल इस संकट से दुनिया को निकालने के लिए नवोन्मेषी और किफायती हल तलाशने में साथ मिलकर काम कर सकते हैं। 4 तकनीकें लेकर आ रहे हैं इजरायली वैज्ञानिक। इजरायल के ये वैज्ञानिक अपने साथ 4 तकनीकें भी लेकर आ रहे हैं। इनमें से 2 कोविड-19 जांच के लिए हैं। 1 तकनीक किसी व्यक्ति की आवाज सुनकर बता सकती है कि वह कोरोना संक्रमित है या नहीं। वहीं 4थी तकनीक एक वायरस डिटेक्टर है, जो सांस के नमूने पर रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।